हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। उसने बोला फ्रॉम दीज टू एंगल्स, आपको ये दो एंगल्स गिवन हैं, विच हैज़ लार्जर मेजर, इनमें से किसका एंगल किसका मेजर एंगल जो है वो ज़्यादा है, एंड एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग रैम। सबसे पहले एस्टिमेट, अब दिख रहा है बेटा ये छोटा है ये बड़ा है, तो कौन सा एंगल बना बड़ा है, मान लो ये ए है ये बी, तो कौन सा है एंगल बी इज़ लार्जर। और पहले एस्टिमेट लगाया फिर इनको क्या किया मेज़र। देखो बेटा मेज़र कर रही हूँ, यहाँ से ये आया 45, ये कितने का आ गया 45। अगर इसको मेज़र करूँ तो ये मेरे पास आ गया 55, कितना आ गया 55। मेज़र से भी मेरे पास क्या आ गया, दैट एंगल बी इज़ ग्रेटर, क्योंकि ये 55 डिग्री है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, फिलअप्स आपने फिल करने हैं। एन एंगल हुज मेजर इज़ लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल से कम जिसकी मेज़र होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूट एंगल, क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। नेक्स्ट एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ी जिसकी होती है उसको क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूस, क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल, दो राइट एंगल 90 + 90 इज इक्वल टू 180, उसको क्या बोलते हैं 180 वाले को स्ट्रेट, क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट वेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ राइट एंगल, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, देन ईच वन ऑफ देम इज, इसने बोला जब दो सम एंगल्स दो एंगल्स के मेजर का सम क्या बन रहा है राइट एंगल, देन ईच वन ऑफ देम, तो वो कैसे एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, उनमें से एक को क्या बोल दूंगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स इज स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या जब 90 की बात आएगी तो सप्लीमेंट्री बेटा, 90 की बात आई तो सप्लीमेंट्री एंगल, 90 की बात आई तो सप्लीमेंट्री, और जब स्ट्रेट एंगल की बात आ गई तो उसने क्या बोला देन स्ट्रेट एंगल की बात आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी बेटा फॉर दिस डिस्टर्बेंस, अगर 90 डिग्री की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री और 180 की बात कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ठीक था, यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट्री, क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल एंड इज वन ऑफ देम इज एक्यूट देन अदर शुड बी, दो का सम 180 है, अगर एक एंगल छोटा है एक्यूट है यानी कि 90 से छोटा तो दूसरा 100 किससे बड़ा 90 से बड़ा, तो कितना क्या हो गया बेटा ऑब्ट्यूस एंगल, दूसरा कैसा बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट फाइंड द मेजर ऑफ एंगल शोन इन द फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट करना है उसके बाद, ठीक है हम मेज़र ही कर लेते हैं बेटा डायरेक्ट, क्योंकि एस्टिमेशन से हो सकता है आपका करेक्ट आंसर ना आए। वेट वेर इज सी, देखो बेटा सबसे पहले मैंने बोला जहाँ दोनों का कॉमन पॉइंट है वहाँ रखो, रखा कितना आ गया 40 डिग्री, ये आ गया 40 डिग्री, दोनों का कॉमन पॉइंट है प्रोटेक्टर को वहाँ रखो, ठीक है ये आ गया, ये देखो बेटा 130 डिग्री। नेक्स्ट ये देखो बेटा यहाँ से 60 और 70 के बीच में कितना हो गया 65 डिग्री, ये देखो बेटा ये बन गया 130 और 140 के बीच में, इट मीन्स 135 डिग्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। नाउ नेक्स्ट फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर, ठीक है एंगल्स निकालना है। पहली बात तो देखो बेटा ये कैसा एंगल है 90 डिग्री, ये सबको दिख रहा होगा रीज़न, तीन क्वार्टर फाइनल होने के बाद राइट एंगल बन जाता है, 1, 2, 3, थ्री जैसे ही फाइनल होंगे क्या बन जाता है 90 डिग्री, तो इसका एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट अब देखो बेटा, थ्री जब 90 के इक्वल है तो वन किसके इक्वल आएगा 90/3, इट मीन्स 30 डिग्री, जब ये तीनों पोर्शन 90 के इक्वल हैं तो वन पोर्शन की अगर वैल्यू निकालनी हो तो क्या आ जाएगा
ज़्यादा से कम पे आते हो तो डिवाइड करते हो, डिवाइड कर दिया 90 को 3 से, कितना आ गया 30 डिग्री। तो बेटा जब मैं एक एंगल की बात करूँगी, सिर्फ एक सेक्टर की, एक पॉइंट की, यहाँ से यहाँ गए, तो ये कितना हुआ बेटा टोटल 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आते ही कौन सा एंगल हो जाता है 180 डिग्री, कौन सा हो जाता है 180 डिग्री। तो ये थी बेटा। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आपने करने की ज़रूरत नहीं है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा इसने क्या बोला, आपको फिगर दी हुई है, उसके बाद हमने मेज़र करना और टाइप बतानी है। मेज़र एंगल AOB यानी कि ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाली लाइन, तो मेज़र करते हैं। देखो बेटा वर्टेक्स पे रखा तो कितना बन गया 40 डिग्री, कितना बन गया 40 डिग्री, और 40 डिग्री कैसा है एक्यूट, कैसा है एक्यूट, ठीक है। फिर एंगल AOC यानी कि ये वाली लाइन कंसीडर होगी, ये वाली नहीं होगी, तो देखो बेटा वन थर्टी के आसपास जा रही है, ठीक है। तो 130 कैसा है बेटा, 130 कैसा है 90 से बड़ा, और 90 से बड़ा हो तो क्या होता है ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट एंगल BOC सिर्फ ये वाला, यानी कि अब ये वाली लाइन कंसीडर होगी और ये वाली, ये देखो बेटा 90 डिग्री के आसपास, 90 से लेस है बेटा, 90 और 80 के बीच में, तो कितना आ गया 85, तो ये कैसा हो गया एक्यूट। नेक्स्ट DOC अब यानी कि ये वाली दो लाइन कंसीडर होंगी, देखो बेटा 90 से ज़्यादा 95, तो ये कितने हो गया बेटा 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूस। DOA ठीक है, तो अब इसको वापस घुमा के देखते हैं बेटा, देखो दिस इज़ योर स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ योर वर्टेक्स, ये कितने का हो गया 140, कितने का हो गया 140, यानी कि ये भी कैसा हो गया ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट DOB को अगर मैं देखूँ तो ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, कैसी है बेटा स्ट्रेट, यानी कि 180 कैसा होता है स्ट्रेट एंगल, कैसा होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये थी बेटा कंप्लीट एक्सरसाइज, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।